everybody. Well, as you know, my name is Arima Chaturvedi, your social science educator on this and academy platform, which is India's leading educational platform. तो भाई आगे स्टार्ट करने से पहले लेट मी डू अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ. और क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग मेरे को नहीं जानते, बट आई हैव ऑलरेडी डन सम सेशंस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नो कि भाई मैं कौन हूँ, क्या पढ़ाती हूँ, अनअकैडमी पर क्या कर रही हूँ. फॉर ऑल दोज पीपल हु आर न्यू हियर, आई एम अरिमा चतुर्वेदी एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई मैं सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ, ठीक है, फॉर योर क्लास, फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ 6, 7 and 8. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है मेरे बारे में कि मैं स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री मेजर की, तो दैट मीन्स यू कैन ट्रस्ट ऑन मी फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है. अब जब हिस्ट्री पढ़ी है तो पढ़ा भी सकते हैं, करेक्ट. तो अब इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी पूछा कि मैम हिस्ट्री की डेट्स कैसे याद करें, मैम ज्योग्राफी के मैप्स कैसे याद करें, मैम सिविक्स कैसे याद करें, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है याद करने में, एंड देन फिर एग्जाम में इतना लेंथी पेपर लिख के आना पड़ता है, करें. तो उसके लिए बहुत ही इजी सा तरीका है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है. तो स्टे ट्यून टू द वीडियो, लास्ट तक देखना इस वीडियो को. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इफ यू विल फॉलो दीज फंडास, इफ यू फॉलो दीज थिंग्स जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स में नहीं, यू कैन स्कोर वेरी वेल ऑन इन ऑल दो सब्जेक्ट, ठीक है. अब उसके बाद स्क्रैच द थिंग ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गेनिंग नॉलेज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू कीप इन माइंड की यू आर नॉट स्टडिंग फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, यू आर स्टडिंग टू गेन सम नॉलेज. तो आपका सबसे पहला एम होना चाहिए कि आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे. इफ समवन इज सेइंग कि भाई ज्यादा मार्क्स ला, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अच्छे से पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा, यू विल गेन सम नॉलेज, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे. अगर आपके अंदर नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे, राइट. तो पहला एम क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, ठीक है, और जो भी पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ते हैं. क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, नॉट क्वांटिटी, ठीक है, हमेशा याद रखना, क्वालिटी इज सुपीरियर देन क्वांटिटी. So let's start with the video without any further ado, and do not forget that I will be here daily, I will be on live school daily, जहाँ पर आप अपने सारे doubts clear कर सकते हो from Monday to Saturday, ठीक है. I will be taking all the classes for 6, 7th and 8th, अलग अलग classes हैं, अलग अलग time हैं. Go and check the channels for all the times if you want to, and channel ko subscribe kar dena, kyunki bhai nahi kiya to aapko pata kaise chalega when I am online or when I am going to get my live classes started. Aur jaise hi main live class start karu, you can come up with as many as doubts as you have, theek hai, koi issue nahi, kitne doubts ho let me know, I'll clear them all. And for all those people जिन्हें पता है कि मैं रोज लाइव क्लास लेती हूँ, and they see me regularly, they ask me questions regularly, उनके लिए एक चीज बता देती हूँ, I'll soon come up with a doubt clearing sessions. तो अपने doubts इकट्ठा करते चलो. अगर आपके पुराने chapters में से कुछ doubts हैं, आपको अभी भी doubts हो रहे हैं, तो आप इकट्ठे कर लो, we'll soon meet up in the doubt clearing session, and वहां पर मैं आपके सारे doubts clear कर दूंगी, ठीक है. Now let's start with the video, how to score marks and scratch that, how to gain the utmost knowledge that we require, theek hai. So let's start. So bhai pehle kya karna hai, sabse pehli cheez, sabse pehle logon ne mere se pucha tha ki ma'am dates kaise yaad kare, itni sari history mein dates hain, dates kaise yaad kare. So sabse pehle, so what you have to do, you have to create a timeline, theek hai. Sabse important cheez hai history ki, you have to create a timeline. Just like ये आपकी इस पिक्चर में बनी हुई है ना, उन्होंने क्या किया, they have started from 2012, फिर 2013 आया, 14 आया, 15 आया, 16 आया, 17 आया, ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही आपको एक टाइमलाइन बनानी है, एंड इन दैट टाइमलाइन आपके सिलेबस में या आपका जितना पोर्शन एग्जाम में आ रहा है, सिर्फ उतने पोर्शन की एक टाइमलाइन बना लीजिए. जो पहले हुआ उसको पहले लिखो, जो उसके बाद हुआ उसको बाद में लिखो. वील स्टार्ट फ्रॉम सम ईयर, सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1998, देन वील मूव टू 1999, देन वील मूव टू 2000. अगर एक ही ईयर में दो चीजें हुई हैं तो स्लैश लगा के लिख दो, कॉमा लगा के लिख दो,
और सबसे अमेजिंग बात बताइए क्या है, ये सब आपको एक चार्ट पेपर पे करना है, ठीक है? तो बाय चार्ट पेपर, चार्ट पेपर बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, चार्ट पेपर बाय इट एंड यूज योर फेवरेट कलर्स, ठीक है? फेवरेट कलर्स यूज करो और उसमें जितने टाइमलाइंस हैं, जितने एग्जाम में पोर्शन में, आपके एग्जाम के पोर्शन में टाइमलाइंस आ रहे हैं, जितने भी डेट्स आ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर्स नॉट द डेट्स, ठीक है? आपको डेट्स नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ ईयर लिखना है, आपने सिर्फ उसमें ईयर लिखना है और उसको आपको टाइमलाइन की तरह बना देना है। जो पहले हुआ वो पहले लिखो, जो बाद में हुआ वो बाद में लिखो, ठीक है? ईयर वाइज आपको एक टाइमलाइन बनाना है। एंड विद दोस कलरिंग पेन, भाई मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उसमें ड्रॉइंग करना स्टार्ट कर दो, आपको ध्यान रखना है कि वो चार्ट पेपर आपके टाइमलाइन के लिए, आपके ड्रॉइंग के लिए नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है आपको, जैसे आप इसमें देख सकते हो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है? जैसे एक हाथ बना हुआ है, देन वी हैव अ न्यूज़पेपर, देन वी हैव अ अनलॉक लॉक, एंड देन वी हैव अ हाउस, वी हैव अ सर्चिंग बार। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, यू हैव टू डू स्क्रिबलिंग। अब स्क्रिबल कैसे करें, तो स्क्रिबल ऐसे करें भाई कि जो भी आपको लग रहा है, बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है? तो अब आपने बैटल ऑफ पानीपत की टाइमलाइन लिखी एंड नाउ आपने उसके नीचे एक सर्कल बनाया और आपने उसमें दो नाइस बना दिए, ठीक है? या फिर आपको बैटल ऑफ पानीपत से आपको जो भी, जैसे हो सकता है मेरे को पानीपत से पानी का इमेजिनेशन हो रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें हल्का सा पानी ड्रॉ कर दूंगी, पानी बॉटल कुछ भी ड्रॉ कर दूंगी एंड देन आई थिंक कि भाई यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत हुआ होना चाहिए था एंड इन दिस ईयर, ठीक है? तो वहां पे आपके ईयर्स भी लिखे हुए हैं और आपके पास उसका सिंबल भी बना हुआ है। और ये बात याद रखनी है कि अगर इतना बड़ा चार्ट पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना, खुद उसी में नहीं डालना, ठीक है? अगर इतना बड़ा चार्ट पेपर है तो आपको सिर्फ उसमें 6 से 7 टाइमलाइंस लिखनी है, मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा आपको नहीं करना, इट विल लुक कंजस्टेड और जब आप दूर से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितनी ओपन स्पेस होती है ना उतना हमें क्लियर समझ में आता है, ठीक है? इसलिए मेक इट एज फ्री एज पॉसिबल, कुछ ड्रॉ नहीं करना। What we have to do? We have to buy a chart paper और उसमें आप अपने favorite color of pen से एक timeline create कर दो। पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अब आपने timeline create कर दी, then what you will do? जब भी आप वहाँ पे, आपने उसे wall पे भी paste कर दिया, अब जब भी आप उसके आसपास से निकलोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, आपकी हमेशा निगाह उस पर जाएगी, हमेशा आपकी आई उस पर land करेगी and then you will see कि भाई जितने ईयर्स हैं धीरे 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 आपको याद होते रहे, ठीक है? नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, आप एक पेपर ले लो या फिर इफ यू हैव अ व्हाइट बोर्ड विथ यू, इफ यू हैव अ ब्लैक बोर्ड विथ यू, कुछ भी हो आपके पास, नहीं है तो पेपर ले लो, नॉर्मल पेपर, पेपर राइट डाउन द डेट्स एंड द इवेंट्स इन द फ्रंट। व्हाइट पेपर लेना, लाइंड पेपर मत लेना, प्लेन व्हाइट पेपर लेना, ठीक है? मैंने क्या बताया, जितना प्लेन चीज होगी ना उतना जल्दी आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है? तो उसमें आप इवेंट्स लिखो, उसमें आप डेट्स लिखो एंड देन पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू। आप जब भी वहां से निकलोगे आपको हमेशा वो दिखता रहेगा। पेस्ट इट फॉर 48 hours और 42 hours, करीब 2-3 दिन के लिए पेस्ट रहने दो एंड देन ऑन दी थर्ड डे आप क्या करोगे, आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दो, ये कब हुआ था, ये कब हुआ, ये कब हुआ था, अपने सिबलिंग से बोलो दे आस्क यू सम क्वेश्चन, ठीक है? सिर्फ उन्हीं 10 इवेंट्स में, 10 डेट्स में से क्वेश्चन, आपको 10 डेट्स ऐसे याद हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ा उसमें और वो याद भी होगा, ठीक है? सो दैट इज द बेस्ट मेथड टू लर्न डेट्स, ठीक है? मेरे ऊपर ट्राई किया हुआ है मैंने, तो आई कैन गिव यू अ टोटल थम्स अप ऑन दिस, यू कैन एटलीस्ट ट्राई एंड रिमेंबर ऑल दोस डेट्स विद दिस मेथड। सो नाउ लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट इज। तो ये कहता है सी Hear, read and repeat, ठीक है? उसने बोला देखो सुनो पढ़ो और रिपीट करो। क्या देखें, क्या सुने और क्या रीड करें? तो भाई पहले देखो, पिक्चर्स देखो, ठीक है? फिर उसको सुनो, जो भी आपकी मैम कह रही है या जो भी मैं लेक्चर्स ले रही हूँ, hear it and then read it। अगर आप तीनों चीजें करोगे साइमल्टेनियसली, या फिर आपने पहले पढ़ लिया, फिर आपने सुन लिया, फिर आपने देख लिया, कुछ भी करो, बट आपको इसे रिपीट प्रोसेस में करना है, आपको एटलीस्ट इसे 2 या 3 बार करना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप थर्ड टाइम करोगे ना, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम में ही यू विल नो, यू विल नोटिस कि अरे इसके बाद तो ये आएगा। तो आपने उसे लर्न नहीं किया बट आपके दिमाग में वो सब चीजें फीड हो गई, क्योंकि आपने उसे पढ़ा भी था,
आपने उसे सुना भी था और आपने उसे देखा भी था, आपने उसके सामने पिक्चर्स भी देखे थे। अगर पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है देन गूगल इट भाई, फोन तो सबके पास में है, गूगल कर लो, उससे पिक्चर्स देखो उसकी, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर। क्या करेंगी ये पिक्चर्स? वो पिक्चर्स आपको याद रखने में हेल्प करेंगी कि किस टाइम पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरी सिचुएशन आप इमेजिन करने लग जाओ। ठीक है, और जैसा मैं हर क्लास से पहले बोलती हूँ कि भाई स्टार्ट इमेजिनिंग, आंखें क्लोज करो एंड स्टार्ट इमेजिनिंग जब भी मैं लेक्चर लेती हूँ, तो दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग। आप इमेजिन करोगे एंड यू विल सी कि आपके माइंड में वो स्टोरी चलती जा रही है। ठीक है, तो वो स्टोरी आपको याद हो जाएगी एंड देन व्हेन यू विल नैरेट द स्टोरी टू योर फ्रेंड और टू योर सिबलिंग्स, तो क्या होगा, आपकी वो स्टोरी जो है ना वो आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगी कि जब आपको एग्जाम में लिखने जाओगे ना तो आप बोलोगे अरे ये लोग तो कहते थे कि एक पेज लिखना मुश्किल है, मैं तो इसके लिए 2-3 पेज लिख दूंगा। ठीक है, सो दैट इज द पावर ऑफ सी, हियर एंड रीड एंड देन रिपीट। बस 2 या 3 बार करना है देन यू विल नोटिस द चेंज। ठीक है, चलो नेक्स्ट है भाई, मेक इट अप अ स्टोरी। यस, स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब भाई अब आप सोचो कि आप तो भी 6th, 7th, 8th में हो, उन लोगों का क्या होता होगा जिनके पास इतनी मोटी मोटी हिस्ट्री की बुक्स होती होंगी, सोचो वो लोग कैसे याद करते होंगे। तो याद नहीं करना, हमें कुछ याद नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें सबकी स्टोरी समझनी है। आपने देखा होगा आपकी बुक्स में जब भी एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो हमेशा स्टोरी के फॉर्म में दिए होते हैं, करेक्ट? जब भी हम हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमेशा वहां पे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में सारी स्टोरीज दिए होते हैं, करेक्ट? तो दीज स्टोरीज जो होती है, जो स्टोरीज होती है ना, ये स्टोरीज आपको हेल्प करती हैं टू नो इट। और अगर आप एक बार स्टोरी सुनते हो तो आपको हमेशा याद रहती है। अब जैसे कि आपने एक स्टोरी पढ़ी थी, अभी मैं आपको नाम लूंगी एंड देन यू विल से कि हाँ 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 ये स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी थी, दैट स्टोरी वॉज ग्रीडी डॉग। याद आ रहा है क्या था वो स्टोरी में? उस स्टोरी में था कि वो जो डॉग था वो एक बोन के पीछे जैसे वो लेक को क्रॉस कर रहा था, देन ही नोटिस कि भाई एक सामने एक डॉग है उसके पास बड़ी बोन है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी बोन ड्रॉप करके उसकी बोन लेने की कोशिश करी। अब जब उसकी बोन नीचे गिर गई तो उसने देखा कि अरे बोन तो गायब हो गई, ये तो मेरी ही इमेज थी, मेरा ही रिफ्लेक्शन था, करेक्ट? अब आपको स्टोरी याद थी, बस मैंने ग्रीडी डॉग बोला और आपको स्टोरी याद आ गई। आपने ऐसे बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिसका मैं जब नाम लूंगी एंड देन यू विल से कि हाँ मेरे को याद है, मेरे को याद है। और आपने वो स्टोरी ज्यादा बार नहीं सुनी, आपने सिर्फ स्टोरी शायद क्लास में सुनी हो, एक बार सुनी हो, बट वो स्टोरी आपने ध्यान से सुनी, करेक्ट? और अब जब आपने ध्यान से सुनी थी, आपको इंटरेस्ट आ गया उस स्टोरी में, तो क्या हुआ, आपको इतने सालों के बाद भी वो स्टोरी याद है। इसीलिए जब भी हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो या सिविक्स पढ़ो, मेक इट अप ऑल अ स्टोरी, स्टोरी के फॉर्म में उसे सुनने की कोशिश करो, स्टोरी के फॉर्म में उसे समझने की कोशिश करो। ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया, एंड देन यू विल नोटिस कि भाई ये सब याद हो गया हमें और ये सारी स्टोरी अब हम एग्जाम में लिख के आ सकते। ठीक है, सो दैट इज द पावर ऑफ मेकिंग अप दी स्टोरीज। और स्टोरीज सिर्फ बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टोरी सुनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जब एक बार आपने स्टोरी सुन ली, आपको पसंद आई, आपने पढ़ ली, आपको पसंद आई, गो टू योर सिबलिंग, गो टू योर पेरेंट्स और आप उनको स्टोरी सुनो, अपने दादा दादी को स्टोरी सुनो, उन्हें मजा भी आएगा, दे आर वैसे भी फ्री, तो भाई आप जाओ उनके पास, उन्हें स्टोरी सुनाओ, उन्हें मजा आएगा एंड आपको स्टोरी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ स्टोरीज। नाउ एज यू सेड कि भाई डेट्स होती हैं याद नहीं होती, तो इफ इन एनी केस अगर आप डेट्स भूल जाते हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप टाइमलाइन बना लो। ठीक है, तो उस टाइमलाइन से क्या होगा, जब भी आप वहां से गो थ्रू करोगे, यू विल सी द पेज, यू विल सी द चार्ट पेपर एंड यू विल नोटिस कि आपको जो डेट्स है ना वो आपको याद होती जा रही है। जब आप अपने भाई बहनों से बोलोगे कि आप तू मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मेरे को पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी डेट्स याद है, वो आपसे 2-3 बार क्वेश्चन करेगा, आपको जो आएगा वो आप बताओगे, आपको कॉन्फिडेंस में वो याद हो जाएगा। और जो नहीं आएगा वो आपको लगेगा अरे यार क्या भाई के सामने बेइज्जती होगी, देखे तो सही इसका आंसर क्या है, एंड देन वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो डेट्स आपको याद नहीं है एग्जाम में, जो आपको याद नहीं है और उन्होंने आपसे एक आंसर पूछा है, लंबा चौड़ा सा आंसर है, उसमें आपने ये लिखना है इन 1890,
ठीक है, और अगर आपको याद नहीं आ रहा कि इज इट 1894 इज इट 1892, तो आप क्या करोगे, वहां पे 1892 या 1894 की जगह आप 1890s लिखोगे, ठीक है, 1890 एपोस्ट्रोफी एस। इससे क्या होगा, इससे टीचर को लगेगा कि हाँ भाई पढ़ा तो था बच्चे ने, बस थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी डेट्स, एग्जाम में लिखने के लिए डेट्स याद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यही करती हूँ, जब भी मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं होती तो मैं ऐसे लिख के आ जाती हूँ 1870s 1890s। ठीक है, याद करने की, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि याद करने की जरूरत नहीं है, बट इन केस इफ अगर आप भूल रहे हो उस चीज को, एग्जाम में लिखना है आपको, तो आप उसमें ऐसे करके लिख के आ सकते हो। ठीक है, हमेशा नहीं चलेगा ये, बट ट्राई एंड रीड, ठीक है, करके देखना जरूर वर्क करता है। नहीं याद है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वी आर नॉट प्रेशराइजिंग यू ऑन एनीथिंग। आपको क्या करना है, बस आपको एग्जाम में 1890s लिख के आना, यानी कि उसके आसपास का जो ईयर है ना, जो हमारा डेकेड्स वाला होता है, जैसे अगर मेरे से किसी ने बोला कि 1757 में ये हुआ था, अब मैं भूल गई एग्जाम के टाइम पे कि भाई 1757 था या 1756 था, तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं ये लिख दूंगी इन बिटवीन 1756 टू 1757, या फिर मैं ये लिख दूंगी इन 1750s। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, 1750 एंड एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो ये फंडा भी हमेशा काम करता है, आपको इसके मार्क्स काटे भी नहीं जाएंगे इसके, एंड आपको मार्क्स भी दे दिए जाएंगे। हो गई ना बात खत्म, बस यही तो चाहिए था, हमें मिल गए मार्क्स, चल लेट्स सी। Okay, now this is for the geography. अब भाई एक प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी अंडरस्टैंड कि भाई हमें मैप्स की बहुत जरूरत है, वी अंडरस्टैंड कि मैप्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, एंड इसीलिए ये जो मैप्स को आपको बार बार याद करने को दिया जाता है, तो इसका बेस्ट तरीका ये है, आपसे टीचर तो बोलेंगे कि भाई फिजिकल मैप पे ड्रॉ करो, या फिजिकल मैप पर मेरे को ये चीजें शो करके दिखाओ, बट जब आपको प्रैक्टिस करनी है, इवन वेन आई एम टेकिंग द क्लास एंड आई एम टेलिंग यू कि भाई ये जो राइज हैं वो यहाँ 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 होते हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत होते हैं, बांग्लादेश में बहुत होते हैं, आपको क्या करना है, आपको बस एक पॉलिटिकल मैप लेके आना है, उस पॉलिटिकल मैप के एक मैप पर आपको फटाफट से स्क्रैच करने लग जाना है, स्क्रैच मतलब पेंसिल से और हल्का हल्का शेड कर दो, कि मैम ने बताया था कि ये जो एरिया है दिस, उसी टाइम जब मैं बता रही हूँ ना, उसी टाइम आपको फटाफट से पॉलिटिकल मैप में, अगर आप पॉलिटिकल मैप यूज करोगे तो क्या होगा, आपको सारी स्टेट्स पता चलते जाएंगे। ठीक है, एंड विद दोज लाइन आप क्या करोगे, आप समझोगे कि इस लाइन के पास में ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमारी स्टील की फैक्ट्री थी, यहाँ पर राइस बहुत होते हैं, यहाँ पर मिलेट्स बहुत होते हैं, करेक्ट, इसीलिए वी यूज ऑल ऑफ दैट पॉलिटिकल मैप्स। जब भी प्रैक्टिस करनी है, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग टू मार्क अ मैप, यूज अ पॉलिटिकल मैप। मैम कहती है फिजिकल मैप में, तो मैम को फिजिकल मैप पे करके दे दो, बट आपको प्रैक्टिस किस पे करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है पॉलिटिकल मैप पे, हमेशा यूज अ पॉलिटिकल मैप। और जब एग्जाम देने जाओ, एग्जाम देने से पहले एक बार देख लो कि भाई फिजिकल मैप में मैं पॉइंट कर सकता हूँ या नहीं, एंड यू विल नोटिस कि आप फटाफट से पॉइंट कर सकते हो फिजिकल मैप पे, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैंक होता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ मार्क करना है, कहाँ मार्क नहीं करना। ऑल्दो ऑन अ पॉलिटिकल मैप वी हैव लाइंस, हमें पता है कि कौन सी स्टेट कहाँ है, सारी लाइंस ड्रॉन है, पूरा कंट्री का मैप ड्रॉन है, तो हम इजीली उसमें बता सकते हैं कि ये स्टेट कौन सी है एंड ये स्टेट कौन सी है। इसीलिए बार बार मैं प्रेशराइज करती हूँ कि यूज अ पॉलिटिकल मैप। इसीलिए बचपन में आपको डॉट 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 करके सिखाया जाता था कि ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो जब हम लाइन पर बार बार लाइन बनाते हैं ना, तो हमें याद हो जाता है कि ये ऐसे ही है, ये इसी जगह पर आएगा। एंड दिस इज वाई आई ऑलवेज से कि जब भी मैं कुछ ऐसा करा रही हूँ, जब भी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, टेक आउट सम ब्लैंक पॉलिटिकल मैप्स एंड पेंसिल इन योर हैंड, और उसके बाद फटाफट से उसी को स्केच करना स्टार्ट कर दो, उसी पे आप जितना आपको रफवर करना है रफवर करो, अच्छे से काम करना है अच्छे से मार्क करो, एंड विद द पेन आप उस पर टॉपिक लिखो कि ये भाई राइस का है, ये मिलेट्स का है, एंड स्टेपल करो और उसे अपने ड्रॉअर में रखो। जब आप वापस से रिवाइज करोगे तो यू विल नोटिस कि भाई
एक बार तो आपने देख के किया, उसके बाद आपने उसे बिना देखे करोगे, जब आप थर्ड टाइम मैप करोगे तो आपको सब कुछ याद होगा। और ये कैसे याद हुआ, ये सिर्फ पॉलिटिकल मैप की वजह से याद हुआ, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप्स आर इजी टू मेमोराइज, इसीलिए प्रैक्टिस ऑलवेज ऑन पॉलिटिकल मैप्स, करेक्ट। सो नाउ लेट्स सी, टेक हेल्दी ब्रेक्स, यस इट इज द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई बेटे 5 घंटे लगातार पढ़ो, तो उनसे बोलो दिमाग है मेरा, मैं खराब हो जाएगा 5 घंटे लगातार पढ़ूंगा। तो यूज सम ब्रेक्स, हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लो और वॉक डाउन थ्रू योर हाउस, अपने घर में घूम लो, पानी वानी पी लो, मुंह हाथ धो लो, फिर वापस आ जाओ। यूज समथिंग, अगर आपके पास बहुत पढ़ाई है तो आप क्या करोगे, आप 1-1 घंटे के 2-3 ब्रेक्स ले लो और फिर 1-1 घंटे में 15-15 मिनट के ब्रेक्स ले लो एंड देन स्टार्ट रिवाइजिंग अगेन। उन ब्रेक से क्या होगा, आप मेंटली फ्री हो जाएंगे। आप उस ब्रेक में, आपका मन है फोन चलाने का तो आप फोन चला लो। वैसे तो आई वुड से अवॉइड यूजिंग फोन, क्योंकि एक बार अगर हम फोन चलाते हैं ना, तो भाई आई हैव गॉन थ्रू दैट सिचुएशन कि मैं एक बार फोन उठाती हूँ तो मेरा मन नहीं करता फोन छोड़ने का, एंड फिर वो कब 5:30 से 6:30 और 7:30 हो जाते हैं पता नहीं चलता, करेक्ट। That is why I'm saying कि अगर आप ब्रेक्स लो तो आपको क्या करना है, आपको घर में वॉक करना है। यूज वॉकिंग, वॉकिंग इज द बेस्ट मेथड। घर में पूरे घर का चक्कर लगा के आओ, बैठ जाओ वापस से, यूज समथिंग, आप टीवी देख लो, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। बट आपको क्या याद रखना है, आपको टाइम का याद रखना है कि मैंने 15 मिनट्स अपने आप से प्रॉमिस किया था कि आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स और हाफ एन आवर एंड देन आई विल गो बैक टू स्टडी, ठीक है। तो ब्रेक्स लेना आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे, आपने सीधे 2-3 घंटे बैठ गए पढ़ने के लिए, तो बाकी के जो 2-3 घंटे है ना, 1 घंटा तो आपने पढ़ लिया अच्छे से, वेरी गुड, वेरी एफिशिएंट ना। बाकी के जो पीछे के 2 घंटे है ना, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं होगी, जो भी आप पढ़ रहे हो ना वो आपके बाउंस होके चला जाएगा। जब आप सुबह उठोगे एंड देन यू विल आस्क योरसेल्फ कि मैंने कुछ पढ़ा था क्या, कर और माइंड बोलेगा कि भाई मेरे को तो कुछ याद नहीं है, मैं तो बहुत थका हुआ था, तूने मेरे को ओवर प्रेशराइज कर दिया। तो वी डू नॉट वांट दैट। हम क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अगर हम 1-1 घंटा भी पढ़ें तो वो 1 घंटे की जो पढ़ाई है वो दिमाग में रहे। मैंने क्या बताया था, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, जितना पढ़ रहे हैं उतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट। एंड दैट इज वाई टेक हेल्दी ब्रेक्स, हर 1-1 घंटे में टेक सम ब्रेक्स ऑफ 15 मिनट्स, टेक अ नैप ऑफ 15 मिनट्स। सी आई एम टेलिंग यू, जो हम 2 घंटे सोते हैं ना, उससे ज्यादा एफिशिएंट होती है 10 मिनट और 15 मिनट की नैप, ठीक है, बहुत एफिशिएंट होती है। व्हेन यू विल वेक अप विद योर 15 एंड 10 मिनट्स नैप, तो क्या होगा, यू विल फाइंड कि भाई अब तो बॉडी रिलैक्स हो गई, मजे आ गए, अब तो लेट्स स्टार्ट स्टडी, ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू विल हैव टू कीप इन माइंड, टेक हेल्दी ब्रेक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो टेक हेल्दी ब्रेक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट, यूज द मार्जिन्स, यस। सो दिस इज द थिंग कि जो मैंने भी यूज करे, वैसे बेसिकली मैंने सब यूज किया है इनमें से, इसीलिए आपको बता रही हूँ, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये क्या है, जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाओगे, आपको समझ में आएगा कि मैम जो बोलती है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, रादर देन द बुक, रादर देन रीडिंग द बुक। अब जब मैम ने पढ़ाया उसके बाद आप बुक रीड करोगे ना, तो बुक भी समझ में आता, पहले बुक नहीं समझ में आती है ना, मेरे से भी यही होता था कि मेरे को बुक्स नहीं समझ में आते थे जब मैम पढ़ाती थी, जब सर पढ़ाते थे, एंड जब मैं घर वापस से जाती थी बुक्स रीड करती थी, देन मेरे को रियलाइज होता था कि हाँ सर ने यही तो बताया था। तो क्या करना है हमें, हमें सिर्फ ये करना है कि एक पेंसिल उठानी है और बुक के साइड में मार्जिन होता, हर पेज के साइड में कुछ लेफ्ट ओवर पेज होता है, ठीक है, स्पेस खाली होती है। तो हमें क्या करना है, हमें उन बुक्स की साइड में लिखना स्टार्ट करना है। क्या लिखना स्टार्ट करना है, वही जो सर बता रहे हैं, सब नहीं लिखना, क्या लिखना है, जैसे हमें पता है कि इस पैराग्राफ में अकबर की पूरी स्टोरी है, तो सर ने बताया कि ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट से उसे मार्जिन में लिख लिया, ठीक है। फिर सर ने बताया कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी इस टाइम पे बनाई थी, तो हमने फटाफट से उसे मार्जिन में लिख लिया, भले ही वो बुक में है उससे मतलब नहीं है, हमने उसे मार्जिन में लिख लिया।
एंड इवन वेन यू आर स्टडिंग द चैप्टर, वेन यू आर रीडिंग द चैप्टर, आप घर पे हो, आप रीड कर रहे हो चैप्टर, वेन यू आर रीडिंग इट, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा ना, उसके जस्ट साइड में जो मार्जिन रहता है, दिस ब्लैंक स्पेस, ये जो ब्लैंक स्पेस रहता है ना, इस ब्लैंक स्पेस पे आप उसके नोट्स बना लो, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो। अब जैसे उसमें लिखा हुआ है ट्रेडमार्क लॉ रिक्वायर, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है ट्रेडमार्क लॉ एंड डैश, ठीक है। तो जब भी आप इसे पढ़ोगे ना, तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, यू विल गो थ्रू द नोट्स, आपके जो की पॉइंट्स आपने लिखे ना, आप इसको पढ़ोगे एंड देन यू विल नो कि हुर्रे पूरा चैप्टर हो गया, 5 मिनट में पता ही नहीं चला, ठीक है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ की पॉइंट्स एंड मार्जिन्स, ठीक है। नाउ पेन इट डाउन, यस पेन इट डाउन। अभी जैसे मैंने बताया, सर ने कुछ बताया, मार्जिन में लिख लो, कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉपी, कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें मार्जिन्स का यूज करना है, हमें मार्जिन्स ऑलरेडी दे रखे हैं बुक वालों ने, पेपर भी बचेगा भाई, पेपर भी तो बचाना है, सेफ पेपर सेफ ट्रिक। तो क्या है, हम उन्हीं मार्जिन्स में अगर लिख लेंगे, तो जब भी व्हेन वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर, हमें पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो नोट्स खोएंगे भी नहीं। क्यों नहीं खोएंगे, क्योंकि भाई कॉपीज तो खो सकती हैं, पेपर्स तो खो सकते हैं, बट आप बुक तो ध्यान से रखोगे ना, बुक तो कभी नहीं खोएगी। सो दैट इज वाई यूज द मार्जिन एंड राइट डाउन व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर, और ये इम्पॉर्टेंट थिंग और अनइम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट वॉज पेन इट डाउन, आई थिंक यू फॉर इट। नाउ लेट्स सी समराइज द नोट्स। एक बार नोट्स बनाने के बाद अगर हमें सर ने नोट्स प्रोवाइड किए तो बहुत अच्छी बात है, अब उन्हीं नोट्स को पढ़ो और उन नोट्स को भी और शॉर्ट करो, ठीक है। ये आप करोगे नहीं, ये पता है कब होगा, जब आपको चैप्टर पता है, आपको पता है कि चैप्टर में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, सब कुछ आपने एक बार मैम की बात सुनी है, आपने एक बार सर की बात सुनी है, सो यू विल नो कि भाई इस चैप्टर में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप चैप्टर गो थ्रू करोगे, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मार्जिन्स यूज करो एंड उन्हीं मार्जिन्स में लिख लो कि इस पैराग्राफ में ये चीजें हैं, तो उसके की पॉइंट्स बना के लिख लो। अब जब यू विल रीड द चैप्टर, आप देखोगे कि उसमें लिखा हुआ था अकबर बैटल, द बैटल ऑफ पानीपत, जैसे ही आप बैटल ऑफ पानीपत पढ़ोगे ना, तो यू विल नोटिस कि आपके दिमाग में एकदम से वो इमेज, वो वीडियो चल गई जो आपने उस टाइम पे इमेजिन किया था, दो लोगों को लड़ते हुए, तो दो लोग कौन थे वो आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ समराइजिंग नोट्स, आपको समरी बनानी, आपको नोट्स के भी और छोटा कर देना, ठीक है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड पेन डाउन द फैक्ट्स। अब मैं यही आपको बता दी थी कि क्या चीज लिखनी है, क्या नहीं लिखनी, कैसे समझना, तो भाई कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दो चीजें होती हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब सपोज आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक नवाब थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ऐसे ऐसे करके बता दिया कि आपको नहीं जाना कहीं, अब तो मैं आपको कोई भी लैंड नहीं दूंगा, पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अब यू नो द स्टोरी, करेक्ट, यू नो द स्टोरी, अब आप वो स्टोरी किसी और को बताओगे, आपको पूरी स्टोरी याद हो गई, आपको स्टोरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है वापस से, आपको स्टोरी पूरी याद हो चुकी है, आप दो बार स्टोरी सुनो, एक बार किसी और को स्टोरी सुनाओ, आपको स्टोरी याद हो गई, आपको बिल्कुल याद हो गई, आप किसी और को नैरेट कर सकते हो स्टोरी, इतने अच्छे से याद हो गई, ठीक है। बट द फैक्ट्स, फैक्ट्स आर लाइक कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, किसके बीच पे हुआ था, ये आपको पेन डाउन करना है, ये आपको उन्हीं मार्जिन्स में लिखना है, स्टोरी तो याद हो गई, कॉन्सेप्ट्स तो आपने समझ लिए। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट्स, हम जरूरी नहीं है हिस्ट्री से ज्योग्राफी की बात करें, ये कॉन्सेप्ट्स हर सब्जेक्ट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, लिसन मैथमेटिक्स रियली नीड अ हार्ड टाइम प्रैक्टिस, आई एम टोटली नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट अदर देन दैट आपको क्या करना है, आपको साइड के मार्जिन पे सिर्फ फैक्ट लिखने, जैसे कि जो चीजें आपको याद करनी है, ईयर्स क्या है, अब कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई पूरी स्टोरी पढ़ ली कि ये कॉमन है, सॉरी ये दिस वॉज सोडियम एंड दिस वॉज क्लोरीन, ये ऐसे ऐसे मिले, ये बना दिया, ठीक है, दैट स्टोरी वॉज अ डिफरेंट पार्ट,
हमने स्टोरी समझ ली। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था NaCl। वो कहाँ लिखोगे? वो आप अपनी साइड में लिखोगे, नोट्स के साइड में लिखोगे। एंड सो विल यू डू इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। इयर्स लिखो साइड में, किसके बीच में लड़ाई हुई थी वो लिखो, कहाँ कहाँ पे चीजें मिलती हैं वो लिख लो नोट्स में। बहुत ज्यादा नोट्स हैं तो ट्राई नॉट टू अंडरलाइन द नोट्स, ठीक है? अंडरलाइन मत किया करो, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आपको याद होती है वो चीज। अगर आप अंडरलाइन कर दोगे तो क्या होगा, अंडरलाइन करके भूल जाओ तो वो बुक ऐसी की ऐसी रखी रहेगी, कोई फायदा नहीं है। पर जो चीज आप लिखते हो, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द थिंग्स, तो आपको वो चीजें वापस से रिकॉग्नाइज होंगी, रिमेम्बर होंगी, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लिसन द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल, रिपीट द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल, दूसरों को सुनाओ, जो आपने याद किया है वो दूसरों को सुनाओ। उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। जो हमें डाउट्स होंगे ना, जब टीचर्स बताते हैं, टीचर्स पूछते हैं कोई डाउट है, हम तो यूं मुंडी हिला देते हैं, नहीं है नहीं है, कुछ डाउट नहीं, आगे चलो। बट देन द सेम थिंग, जब आप सेम थिंग किसी और चीज किसी और को बताओगे ना, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा यहाँ पर यार ये डाउट है, ये तो मैम से पूछा ही नहीं। तो आपको डाउट्स भी आएंगे। जब आपको चीजें समझ में आती है, देन यू विल क्रिएट योर ओन डाउट्स, ठीक है? और आपको क्या करना है, आपको फैक्ट्स को लिखना है, यू हैव टू नोट डाउन द फैक्ट्स। नाउ लेट्स सी, कीप असाइड द डिस्ट्रैक्शंस, वेरी वेल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आप कभी भी कुछ भी करो, इवन मैथमेटिक्स, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू कीप असाइड द डिस्ट्रैक्शंस। जो काम एक घंटे का है वो आप डिस्ट्रैक्शन के साथ तीन घंटे में भी नहीं कर सकते, फोन में लगे रहोगे। आई नो द हैबिट, ठीक है? मेरे साथ भी हुआ, एक घंटे फोन लेने का सोचा, तीन घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। तो इसीलिए कीप असाइड द डिस्ट्रैक्शंस, टीवी ऑफ करके पढ़ाई करो। आपको जो दो घंटे में याद होना है ना, वो एक घंटे में याद हो जाएगा, प्रॉब्ली शायद आधे घंटे में याद हो जाएगा। तो हमेशा क्या रखना है, हमेशा अपना माइंड क्लियर रखना है। पढ़ने से पहले सारा डिस्ट्रैक्शन बंद कर देना, मम्मी से बोल देना, मम्मी आवाज बंद देना एक घंटे तक, एक घंटे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आके पूछ लेना मेरे से जो आपको पूछना है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है व्हेन यू आर स्टडी। नाउ लेट्स सी, दूसरा क्या है भाई, म्यूजिक एंड राइटिंग। नो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को, व्हेन दे आर कॉपीइंग द नोट्स, व्हेन दे आर यूजिंग समथिंग, व्हेन दे आर राइटिंग समथिंग, इफ इट इज रिलेटेड टू देयर स्टडी, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ईयरफोन्स हेडफोन्स लगा के काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम लिखते हैं ना, तो वो चीज हमें याद हो जाती है, करेक्ट? आप उसे शॉर्ट में लिखो या आप उसे लॉन्ग में लिखो, आपको सब कुछ याद होता जा रहा है। आप एक बार ध्यान से पढ़ रहे हो, आप उसे लिख रहे हो, आप उसे कॉपी भी करोगे तो भी आपको ध्यान रहेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन नहीं, एंड दूसरा नो म्यूजिक, नो म्यूजिक, वेदर यू आर राइटिंग इट, वेदर यू आर स्टडिंग इट, नो म्यूजिक, नो साउंड, नो नॉइज़, ठीक है? और क्या याद रखना है, म्यूजिक ऑफ करके भाई एक घंटे पढ़ लो, एंड देन लिसन द म्यूजिक फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स, एंड अगेन स्विच ऑफ द म्यूजिक, स्विच ऑफ योर फोन, कीप योर फोन असाइड, कीप द ईयरफोन्स असाइड, एंड देन स्टार्ट राइटिंग द नोट्स अगेन। इफ यू वॉन्ट टू टेक द ब्रेक्स, दिस इज द मेथड यू कैन बाय विच यू कैन टेक द ब्रेक्स, बट अदरवाइज विथ राइटिंग एंड म्यूजिक डज नॉट गो हैंड इन हैंड, हमेशा याद रखना, ठीक है? No to music while you are writing or you are studying. Chalo, let's see. Okay, then you are all set to work hard. You are all set to get some more points and you are all set to gain some more knowledge. Ab aap jo bhi padhoge, if you are going to follow all these points, all these things, so aapko kya yaad rakhna hai? Ki jab bhi hum kuch bhi padhenge, we remember it for days, months and years again. Kyunki aapne apna mind clear kar diya padhe. If you will start using these rules, if you are starting following what the things I was telling you, so you will see the notice, you will see the change in yourself. आपको समझ में आएगा what I was talking about. आपको तीन घंटे नहीं देने पढ़ाई के. You are very small kids, बच्चे. You are very small. You have to enjoy your life. You have to study for 1 hour, but ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? ध्यान से पढ़ना, exams नहीं है तो एक घंटा पढ़ाई भी बहुत है. You are very small kids. तो ध्यान रखो अपना, इतना पढ़ाई का लोड नहीं लेना, बट जब पढ़ाई करनी है तो अच्छे से पढ़ाई करनी, ठीक है? सो दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी फॉर ऑलवेज।
So now the video is finished and I am Arima Chaturvedi again signing this video off with you by my side, with you all, with all the support. And yaad rakhna ki I will be here daily with live school daily. To kuch doubts ho, videos dekhni ho, kuch bhi karna ho, let me know aapko kaise kaise exciting activities karni hai within the chapter, for the chapter. We will do it, ठीक है, जरूर करेंगे. And on Monday, let's see कि हम क्या करेंगे, what we'll do. So stay tuned on the channel and do not forget to hit the subscribe button, hit the bell icon and like and share the video. If you think कि भाई ये video काम की तो थी, बहुत ज़्यादा काम की थी, I understand ये video बहुत काम, ठीक है. तो do not forget to hit the like button, do not forget to hit the subscribe button, hit the bell icon and share this video as much as you can. And till the next video we meet, that means on Monday. So take care, stay safe, stay healthy and bye bye. Sorry, that means tata bye bye.